मिट्टी से मेरा गहरा नाता है, समझदार हूँ, मुझे सब समझ आता है। देश की भूख मिटाता हूँ मैं, फिर भी सरकार और सिस्टम की लाचारी से परेशान हूँ। नमस्कार, मैं एक अभागा किसान हूँ। गांव, पूरे 27 घरों वाला गांव और बीचों बीच पीपल की छांव। वो सिर्फ गांव ही नहीं, संसार बसता है मेरा यहाँ। अपने जले हुए हाथों से तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर माँ ने हमेशा इस लाडले का पेट भरा। उस छोटी सी झोपड़ी में, ढेबरी के उजालों में, जैसे माँ ने मेरे जीवन में हमेशा उजाला रखने का प्रण जोले रखा था। सुबह 5 बजे उठकर 7 बजते-बजते मेरे लिए रोटी सब्जी और बाबूजी के खेत में ले जाने के लिए खाना पैक करना जैसे माँ के लिए दुनिया का सबसे जरूरी काम था। खेतों में दिन भर आग उगलती धूप के बीच काम करते करते बाबूजी का बदन कमजोर पड़ जाता था, लेकिन उनका इस लाडले को दिल्ली जैसे बड़े शहर में भेजकर पढ़ाई कराने का इरादा काफ़ी मजबूत था। घर की ज़रूरतों से समझौता कर एक एक रुपये बचाकर महीने की हर 30 तारीख को बाबूजी मेरे पूर्वांचल बैंक के खाते में पैसे लगा देते थे। पूर्वांचल बैंक मेरे गाँव से 13 किलोमीटर दूर था और बाबूजी अक्सर वहाँ पर अपने पुराने साइकिल से जाया करते थे। हम भी शहर की चमक में कहीं रम से गए थे। मेट्रो मॉल और चमचमाते शहर में सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन कहीं हम सहम से गए थे। और फिर मार्च का वो मनहूस दिन, अभी SSC का फॉर्म डालकर परीक्षा की तैयारी कर ही रहा था कि पूरे देश में कोरोना का कहर आ गया। मानो जैसे मेरे जीवन में मुसीबतों का पहाड़ आ गया। 24 मार्च को कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। पिछले 4 साल से मैं दिल्ली में था, लेकिन ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। इस कोरोना महामारी ने बाबूजी का दिहाड़ी मजदूरी का काम भी छीन लिया। अब तो उनके लिए खेतों का काम करना भी मुश्किल हो गया था। उधर शहर में मेरे कोचिंग क्लासेस बंद हो गई। देश के अलग अलग हिस्सों में मेरे जैसे करोड़ों छात्र अपने छोटे से कमरे में करा रहे थे। कुछ तो पैदल ही गांव के लिए निकल गए, लेकिन मुझमें तो वो हिम्मत भी ना थी। आखिरकार 2 महीने के कठिन समय के बाद सरकार ने मेरे जैसे छात्रों और बेबस लोगों के लिए ट्रेन चलवाएं ताकि वो गांव जा सके, और मैं इस सिस्टम की लाचारी से हारा अपने वही पुराने हरे भरे गांव और बाबूजी और माँ की आंचल की छांव की तरफ वापस लौटा। गांव आने के बाद मैं सोच लिया कि अब मैं शहर वापस नहीं जाऊंगा। बाबूजी के साथ खेतों में हाथ बटाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि देश की सरकार और मीडिया हम किसानों के साथ नहीं है। पंजाब, हरियाणा सहित देश के अलग अलग हिस्सों में किसान अपने हक के लिए धरने पर बैठे हैं, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया इसको कवरेज नहीं दे रही है।
17 सितंबर जिस दिन हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है, उस दिन देश के लाखों पढ़े लिखे बेरोजगार युवा अपने हक के लिए ट्विटर पर ट्रेंड करवाते हैं राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। लेकिन इस पर मुख्य धारा की मीडिया बिल्कुल चुप है, क्यों? क्या मीडिया का काम दिन भर रेहा कंगना और मुंबई को कवरेज देना है? अगर हाँ तो मैं ऐसे मीडिया को मीडिया नहीं मानता, ये सब दलाल हैं और मैं इन्हें गोदी मीडिया ही बोलूँगा। मुझे पता है कुछ लोगों को मेरी बातें चुभती होंगी, चुभे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा काम किसी का चमचागिरी करना नहीं है। तुम करो अगर इससे तुम्हारा घर चलता हो तो। मैं इस देश का हर एक कमजोर जिसको मेरी ज़रूरत होगी उसकी आवाज़ बनूंगा। जय हिंद।